नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, यानी कि ताश के पत्ते। अक्सर करके पहले हम दूरदर्शन पे एक आता था नहले पे दहला, उसमें प्लेइंग कार्ड्स 1 से लेकर 10 तक उसमें चलता था। तो आज हम ये सीखेंगे। देखिए, प्लेइंग कार्ड आप खेलना जानते हो या ना जानते हो, इससे जो है कोई मतलब नहीं है। आपको जो है केवल ये जानना चाहिए कि जो प्लेइंग कार्ड्स है वो जो है उसके जो पत्ते हैं कितने हैं, और उन पत्तों की जो है कैटेगरी क्या है, और प्रत्येक पत्ते जो है कितने कितने होते हैं। ये चीज आप जब एकदम क्लियर कर लेंगे तो प्लेइंग कार्ड्स का जो है क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों, आप पहले तो वीडियो को लाइक और कमेंट जो है जरूर कीजिए। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीख लिया है? एक तो जो है क्वाइन से संबंधित जो है क्वेश्चन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, और इसके बाद डाइस से संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, उसका कॉन्सेप्ट सीखे हैं। मतलब एक डाइस के लिए और दो डाइस के लिए, और ऐसे ही क्वाइन में एक क्वाइन, दो क्वाइंस और तीन क्वाइंस के लिए। सैंपल स्पेस हमने पढ़ लिया, बेसिक फार्मूला पढ़ लिया, मैक्सिमम और मिनिमम जो है वैल्यू क्या होती है ये जो है पढ़ लिया गया है। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स आप यहां पे इनको जो है टोटल जो है कितने कार्ड्स होते हैं इसमें। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब ये 52 पत्तों में जो कैटेगरी बनती है, वो कैटेगरी सबसे पहले जो है दो हिस्सों में जो है ये डिवाइड होता है, लाल पत्ते और काले पत्ते। तो कहने का मतलब यहां ये जो है क्या है, लाल पत्ते और ये काले पत्ते। पहले दो कैटेगरी यहां बनती है। इसका मतलब अगर 52 कार्ड्स है तो 52 कार्ड्स में क्या होगा, 26 जो है ब्लैक कार्ड हो जाएगा और 26 कार्ड्स जो है क्या हो जाएगा, रेड कलर का। क्योंकि क्वेश्चन में जब ये पूछता है कि किस तरीके से कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक ढंग से खींचा गया, तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा, आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि 52 पत्तों में 26 पत्ता जो है, 26 कार्ड्स क्या होते हैं लाल, और 26 जो है क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। तो सबसे पहले यही कैटेगरी ध्यान दीजिए, लाल और काले पत्ते। अब इसके बाद ये 26 पत्ते रेड के दो हिस्सों में डिवाइड होंगे। अगर दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो 26 का हाफ जो है कितना हो जाएगा, 13 और 13, आधा आधा हो गया। तो 13 यहां 13 यहां, 13 पत्ते ये 13 पत्ते ये। इसका मतलब अब ध्यान रखिए, 4 टाइप्स के जो है कार्ड होते हैं, तो 4 टाइप्स का यही कार्ड जो मैंने यहां सिंबल बनाया है या जो आपके सामने यहां दिख रहा है, ठीक है, बड़े आकार में उसको आप देखिए, तो ये जो है एक इस तरीके का सिंबल, एक ये और चौथा ये। तो अब क्या है कि इसको देखिए, ये जो है हर्ड, इसका नाम है हर्ड्स, मतलब 13 पत्तों का जो है समूह को जो है हम हर्ड्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है लाल पान, या कई बार पान बोला जाता है। इसके बाद 13 पत्ते जो है क्या हो गए, डायमंड्स हो गए। तो डायमंड को जो है हिंदी में ईंट कहा जाता है, तो आप अंग्रेजी हिंदी दोनों जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार हिंदी न लिख के सीधे जो है हार्ट और डायमंड ऐसे लिख देता है। तो 13 पत्ता डायमंड का, 13 पत्ता कौन सा, हार्ट्स का। अब इसके बाद ब्लैक जो है पत्तों की जो है दो कैटेगरी बन जाती है यहां भी, कौन कौन सी,
अब देखिए 13 यहां 13 यहां, फिर आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है 13 पत्ते स्पेड्स होते हैं जिसको हम हुकुम कहते हैं, और 13 पत्ते जो है होते हैं क्लब्स, इनको अंग्रेजी में क्लब्स कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है चिड़ी। तो अब पहले आपको देखिए टोटल 52 कार्ड्स, इनका जो है अलग अलग कटेगी 26 ब्लैक और 26 रेड। इसके बाद 26 में 13 जो है स्पेड्स, 13 जो है क्लब्स, 13 जो है डायमंड, 13 जो है हार्ट्स। ये जो है चार तरीके का जो है पत्ता बन गया। अब आपने देखा कि यहां पे 13 जो है कार्ड्स है इसमें, अब 13 कार्ड्स पे जो है सिंबल होता है, ठीक है, तो सिंबल जो है बना भी होगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 तक तो जो है गिनती लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं, और उनका जो है सिंबल भी बना होगा। अगर 1 है तो उस पे जो है एक सिंबल, ठीक है, 2 है तो 2 सिंबल, 3 है तो 3 सिंबल, इस तरीके से बना होता है। आइए हम यहां आपको दिखाते, अब देखिए सबसे पहले ये जान जाइए 10 के बाद यहां जे होता है, इसके बाद क्यू होता है, फिर के होता है, यानी कि जे से हमने यहां एक जगह केवल लिखा है, जे मीन्स जैक, ठीक है, और क्यू मीन्स क्वीन, और के मतलब किंग, ठीक है। तो जैक का मतलब क्या हो जाएगा, तो जैक की हिंदी होती है गुलाम, इसको हिंदी में आप जानिए ये क्या होता है, गुलाम। और क्यू क्वीन जो होता है ये होती है रानी, इसको बेगम भी हिंदी में कहा जाता है, और के मतलब किंग, किंग से क्या हो जाएगा राजा। ये तीन पत्ते जैक क्वीन और किंग, गुलाम रानी और राजा। तो कहने का मतलब जैक क्वीन और किंग, और इसको अंग्रेजी में एक नंबर को कहा जाता है एस, ACE। तो अब यहां पे हम थोड़ा सा आपको जो है पत्ता जो है दिखाएंगे, आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने यहां हर्ड का पत्ता लिया है, तो हर्ड के पत्ते में आप देख रहे हैं ये क्या है, किंग है, किंग के बाद ये क्या है क्वीन है, क्वीन के बाद जैक है। तो जैक के बाद अब यहां देखिए, हमने कहा कि जब ये दहला अर्थात 10 नंबर का जो पत्ता है उसमें आप देख रहे हैं कि इस पे जो है 10 जो है सिंबल बना हुआ है, किसका, इस हर्ट्स का। ऐसे अगर आप देखेंगे तो इस पे जो है 9 जो है बना हुआ है, 9 टोटल काउंट करेंगे तो 9, ऐसे ही 8 के बाद 7 के बाद 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1 मतलब A। तो पहला जो होता है उस पे एक ना लिख करके, मतलब एक से स्टार्ट होता है, तो इसको जो है क्या जो है हर जगह लिखा होता है ए लिखा जाता है एस। इसलिए अब हर जगह इसका जो है सिंबल हम बदल दे रहे हैं किससे, ए से। तो अब आपको जो है ये पता हो जाना चाहिए, ऐसे ही जैसे आपने इसमें देखा कि टोटल जो है इस तरीके का जो है 13 कार्ड्स मैंने इसमें दिखाया, ऐसे ही सेम तरीके से 13 कार्ड्स जो है सब में है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप डायमंड लेंगे तो डायमंड में भी किंग से स्टार्ट करते हुए या ए से एक नंबर से स्टार्ट करते हुए आप यहां देख सकते हैं ए से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा के तक, मतलब 13 जो है कार्ड्स होगा। सेम तरीके से ऐसे ही स्पेड का जो है आप ए जो है देख सकते हैं, और ऐसे ही लास्ट पत्ता जो है किंग का। तो अब आपको जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि
टोटल जो फोर टाइप्स के कार्ड्स हैं सब में जो है 13-13 जो है कार्ड्स होता है। अब 13 कार्ड्स में अब आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए एस जो है कितना होता है, ए नंबर के पत्ते कुल कितने होते हैं। अगर ये जो है बात आ जाएगी तो यहां देखिए ए जो है कितना जो है पत्ता हुआ, 4 पत्ते जो है ए, 2 नंबर के कितने पत्ते, 4 पत्ते। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि टोटल 52 पत्तों में जैक कितने हैं, ठीक है, तो जैक का जो है कुल कितना कार्ड्स होगा खुद बताइए। 4 तरीके के पत्ते हैं और हर एक पत्ते में जो है एक जैक होगा, तो 4 टाइप्स में कितने, 4 जो है हो जाएंगे, 4 जैक हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये तीनों जो है जैक क्वीन और किंग हैं, ये जो है फेस कार्ड हैं। फेस मतलब इनपे जो है कोई चित्र छपा होता है, इसलिए आप इनको फेस कार्ड को जानिए, नहीं तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक ढंग से निकाला गया उसके जो है फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया उसके जो है एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब तक आपको जो है जे क्यू के, ठीक है, जैक क्वीन और किंग, ये तीनों जो है फेस कार्ड हैं, ये पता होगा तभी आप जो है इसका क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। तो कहने का आशय अब यहां समझिए कि जैक कितने, 4, क्वीन कितना, 4, किंग कितना, 4। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर प्रश्न में यह मेंशन हो कि बताइए जैक हो लेकिन रेड कलर का हो, लाल रंग के, तो आप जानिए 2 अगर ये कार्ड जो है लाल रंग के हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब 2 जो है जैक रेड कलर का, 2 क्वीन रेड, 2 किंग जो है रेड, ठीक है। ऐसे ही ब्लैक कलर के जो है कितने जैक, 2, कितने जो है क्वीन, 2, और कितने जो है किंग, 2। तो दोस्तों यहां से मैंने प्लेइंग कार्ड्स का जितना भी ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो है मैंने इसमें बेहतर तरीके से क्लियर किया हुआ है, इसलिए मैंने जो है चित्र भी इसका फिगर बनाया हुआ है कि जिससे आप इनको जो है जान जाइए। अगर ये क्लासिफिकेशन आप समझ लिए तो जान जाइए कि हाई स्कूल जो बेसिक आपका जो है जो दिया गया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, आप इसके जो है क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन जो है दिया जाएगा आप देख के आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना तो आपको जो है फिर ये नहीं आ सकता, इसलिए मैथ में सबसे पहले आप जो है कॉन्सेप्ट को जो है जनरेट करना सीखिए। और ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे इसका जनरेट किया कि 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 एस, 4 2 नंबर, 4 3 नंबर, ठीक है, रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड 26, ठीक है, 13-13 पत्ते जो है चारों जो है जो टाइप्स हैं इनका जो है। तो दोस्तों यदि आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो आप जो है कमेंट, लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो है प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप जो है प्रश्न हल करेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये आपसे जरूर कहेंगे कि सबसे पहले आप प्लेइंग कार्ड्स के पूरी कैटेगरी को जो है एक एक करके जो है अलग कीजिए, और अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिए कि यहां पे मुझे समस्या है, मैं उसको जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको जो है व्याख्यायित जरूर करूंगा। हाँ, लेकिन ये होना चाहिए कि आपको जो है प्लेइंग कार्ड्स अच्छे से जो है समझ में आ जाना चाहिए। कई बार मैंने कुछ जो है टीचर्स को भी देखा है कि उनको जो है प्लेइंग कार्ड्स जो है अच्छे से जो है समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसको जो है समझिए और बेहतर तरीके से प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी में आते हैं उनको आसानी से हल करना सीखिए। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट
लेक्चर में दोबारा आपसे मिलते हैं प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन के साथ। आज का जो लेक्चर है ये कॉन्सेप्चुअल था कि आपको जो है कॉन्सेप्ट इसमें सीखना था। हम ऐसे ही करके धीरे धीरे पूरे जो है लेक्चर को जो है खत्म करेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट जो है करते रहिए। देख कमेंट करने में आपका जो है कुछ जाता नहीं है, मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप एक लाइक और कमेंट जो है करने में आपको जो है हिचकना नहीं चाहिए। और आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या चीजें सीख पाते हैं बेहतर तरीके से, बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट अच्छे कमेंट आते हैं, ठीक है, कि बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। तो आपका जो एक्सपीरियंस हो हमारे चैनल को लेकर के उसको आप शेयर जो है जरूर कीजिए। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।